पल्पी टैमरिंड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपम बैटर कैसे बनाते हैं देखेंगे। आपम के साथ मीठा नारियल का दूध परोसते हैं। तो हमें चाहिए कच्चा चावल 1 कप, उरद दाल 1/4 कप, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, कुकिंग सोडा 1 टीस्पून, मेथी के दाने 1 टेबलस्पून। तो हमें एक जो कप चावल है एकदम भरा भरा लेना है, फ्लैट करके मत लेना। तो रॉ राइस पहले हम ले लेते हैं 1 कप, ये 200 ग्राम पकड़ता है। उसी तरह पका हुआ चावल 1 कप हमें लेना है, जिसको हम बॉइल्ड राइस कहते हैं, और दोनों को एक साथ मिला लेते हैं। दोनों मिलाकर 400 ग्राम बन जाता है। तो 1/4 कप जो है हम ब्लैक ग्राम या उरद दाल जो है उसे लेंगे। तो 8 पार्ट चावल के लिए 1 पार्ट उरद दाल और 1 टेबलस्पून मेथी के दाने को भी हम ले लेंगे। सबको अच्छी तरह से धोकर पानी में भिगो के रख देंगे। चावल दोनों को एक साथ मिला सकते हैं। तो अभी हम दोनों चावल को एक साथ कर लेते हैं, अच्छी तरह से धोकर एटलीस्ट 4 घंटे के लिए भिगो के रखेंगे। चावलों को 2-3 बार साफ कर लेना। 4 घंटे चावल को भिगोने के बाद पानी से निकाल कर मिक्सी में अच्छी तरह से पीसिए। बिल्कुल उसमें थोड़ा भी दाना नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए। तो जब तक लगेगा तब तक उसे पी सकते हैं, टाइम छोड़ छोड़ कर, नहीं तो मिक्सी गर्म हो जाएगा। तो बैच बैच में पूरे चावल को पीस कर आप तैयार कर लीजिए। जितना हो सके कम पानी यूज़ कीजिए, ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। जैसे इडली डोसे का बैटर बनता है उसी तरह से इसे बनाना है। तो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ बैटर बनना है। तो उसमें बिल्कुल जब दो हाथ से आप दो उंगलियों से मलोगे तो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, उसमें थोड़े भी दाने नहीं आना चाहिए। तो इस तरह से आपको पीसना है। तो पीसने में ही सब कुछ है, एकदम सॉफ्ट पीसना है, बिल्कुल सॉफ्ट। तो जब तक आपको फीलिंग नहीं आती है तब तक आप उसे चलाते रह सकते हैं। तो इस तरह से 4 घंटे भीगने के बाद चावल को पीस लीजिए। सिमिलरली 2 घंटे एटलीस्ट उड़द दाल को भिगो के रखिए और मेथी के दाने को भी 2 घंटे भिगो के रखिए। फिर उसे भी पीस कर इस चावल के जो आटा है उसके साथ मिला लीजिए। अगर आप नेक्स्ट डे सुबह बनाना चाहते हैं तो आप पहले दिन भिगो के शाम को ग्राइंड करके रख सकते हैं। अगर शाम को बनाना चाहते हैं तो सुबह ग्राइंड करके रख सकते हैं। चावल को अच्छी तरह से पीसने के बाद आप उड़द दाल को पीसिए। उड़द दाल 2 घंटे एटलीस्ट भिगो के रखना है। उड़द दाल और फेनिग्रीक मेथी के दाने को एक साथ आप पीस सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से पीसिए और पानी कम यूज़ करके पीसिए। तो उड़द दाल जो है एकदम ऊपर उठ के आएगा, उभर के आएगा। तो तब तक आपको उसे पीसना है और ग्राइंडर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, मिक्सी बहुत है। तो इसे पीस कर आप तैयार कर लीजिए और चावल के आटे के साथ इसे मिला लीजिए और इसको आप रख दीजिए। अगर आज हम शाम को पीस रहे हैं तो कल शाम सुबह के लिए, तो पीस कर ढक कर रख दीजिए बाहर ही, और जो सुबह उठ के जो काम करना है उसे तब करना है। तो पहले आप अच्छी तरह से सॉफ्ट और स्मूथ उरद दाल और चावल को पीस कर रख लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए, ढक कर रख दीजिए। और नेक्स्ट दिन सुबह आपको नारियल का दूध बनाना है और इस जो ये जो बैटर है इसमें थोड़ा सा नारियल का दूध भी ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा नमक ऐड करना पड़ेगा, थोड़ा सा शक्कर ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा सा कुकिंग सोडा। सबको मिलाकर आपको जो है आपम बनाना शुरू करना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कोकोनट मिल्क या नारियल का दूध। और नारियल का दूध बनाने की विधि मैंने अलग वीडियो में अपलोड करना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो वो वीडियो में देख लीजिएगा अगर आपको नारियल का दूध बनाना नहीं आता है। तो अगर मैं उसे भी इसमें डालती हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। नारियल का दूध काफ़ी लोगों को बनाना मालूम है, जिसको मालूम नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक को से देख लें। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। अब नारियल का दूध बनाने के लिए अच्छा सा नारियल हमें लेना है। नारियल जो हिलाकर देख लीजिए, उसमें पानी होना चाहिए।
तो हमें चावल और उड़द दाल के सिवा नारियल, कुकिंग सोडा, नमक चाहिए आपम बनाने के लिए। तो नेक्स्ट दिन सुबह हमें आपम बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करके उसमें हमें जितना बड़ा जो लैडल है, जो हमारे हाथ में जो स्पून है, उतना हमें कोकोनट मिल्क ऐड करना है। तो वो पूरा स्पून भर के कोकोनट मिल्क ऐड करके हम इसको मिक्स करेंगे आपम के बैटर में। तो हमने ऑलरेडी कोकोनट मिल्क निकाल लिया है, तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ देख लेना। उसके साथ हमें आधा टीस्पून शुगर, आधा टीस्पून कुकिंग सोडा और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट ऐड करना है, अच्छे से मिक्स करना है। आपम बैटर एकदम तैयार हो जाता है आपम बनाने के लिए। आपम बनाने के लिए अलग सा कढ़ाई मिलता है दुकानों में, जो वो नॉन स्टिक भी होता है, वो आप खरीद सकते हैं और आपम बना सकते हैं। इसमें जो कंसिस्टेंसी है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा डोसा बनाने का कंसिस्टेंसी इस बैटर में होना चाहिए। अगर आपको थिक लगता है तो जब हमने चावल और उड़द दाल का आटा बनाया था तो उसमें से जो पानी बाकी है उसे यूज़ करके आप इसे थिन कर सकते हैं। ध्यान से बनाना, बहुत पानी मत डाल देना, जितना चाहिए पड़ेगा उतना डालना जब तक वो आपको कंसिस्टेंसी ठीक ना लगे। और नमक इसमें कम पड़ेगा क्योंकि ये एक शुगर आइटम है, इसमें शुगर डाल के कोकोनट मिल्क डाल के खाया जाता है, तो इसमें नमक कम ही पड़ना चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। अब देख लीजिए कंसिस्टेंसी और अकॉर्डिंगली पतला बना लीजिए। तो यही है नारियल से बना हुआ दूध। नारियल का दूध गुनगुने पानी के मदद से बनता है। नारियल को कद्दूकस करने के बाद गुनगुने पानी की मदद से हम इसे निकालते हैं। और देखिए इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं, चीनी जितना हमें मीठा चाहिए उतना हम ऐड करेंगे, इलायची का पाउडर थोड़ा सा डाल लेंगे। नारियल एकदम तैयार है, नारियल का दूध। अभी हमें आपम बनाने की देरी है, फिर आपम बनाने के बाद उसमें हम चीनी डालकर नारियल का दूध ऊपर डाल के हम खा सकते हैं। तो ये कनाडा में जैसे पैनकेक्स और उसके ऊपर मेपल सिरप डालते हैं, सेम प्रोसीजर है, सेम टाइप का खाना है, बस वहाँ मैदा से बनता है, यहाँ ये चावल से बन रहा है, सेम है रेसिपी। तो ये है लोहे का कढ़ाई जो हमने आप बनाने के लिए तैयार करके रखा है। आप दुकान से नॉनस्टिक आपम कढ़ाई खरीद कर बना सकते हैं। तो आपम का बैटर जो है वो एक स्पून तक डाल लीजिए, फिर कढ़ाई को दोनों तरफ से कपड़ा रखकर पकड़ कर एक बार घुमाइए, तो जहाँ से ये जो बैटर है शुरू होता है वहीं पर उसको आकर ख़त्म होना है, तो एक आपम बन जाता है। फिर इसको स्टोव पे रखिए और ढक्कन डालिए, तो ऐसा ढक्कन इडली का होता है, तो तब तब आपको निकाल निकाल कर देखना होता है। तेल सब मत डालना, खाली पहले हम तेल का और कपड़े से रखकर पहुँचेंगे, पर तेल सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप से कुक होता है। तो आप तब तब निकाल के देखिएगा तो ब्राउन होएगा और साइड से निकलना शुरू हो जाएगा, पर बीच में पका नहीं होगा, तो बीच का भी पकना है, तब तक हमें वेट करके फिर वो अपने आप से निकल जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से आराम से निकल रहा है, इस तरह से निकल के आता है। तो नेक्स्ट बनाते वक्त फिर तेल से थोड़ा सा वाइप करके फिर हम डालेंगे, सेम प्रोसेस अगेन अगेन हम रिपीट करते रहेंगे। एक आवाज़ भी आती है स्विंग करके जब से वो ख़त्म होता है, रेडी हो जाता है। तो ये अपने आप से होता है, कुछ तेल वेल डालने की ज़रूरत नहीं है, खाली ढकना है, ढकना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बना के निकाल लीजिएगा आपम। तो आपम को नारियल के दूध के साथ सर्व कीजिए। आपम के ऊपर चीनी और नारियल का दूध डाला जाता है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। पल्पी टैमरिंड चैनल को अब तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।